रिजर्व पुलिस लाइन बलरामपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 200 रिक्रूट पीएसी आरक्षियों की ट्रेनिंग के पश्चात पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के नोडल अधिकारी चंद्रप्रकाश, पुलिस महानिदेशक विशेष जांच रहे मुख्य अतिथि तथा पुलिस अधीक्षक देव रंजन द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए मान प्रमाण किया गया। रिक्रूट आरक्षियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए सदैव सच्चाई व ईमानदारी व बिना भेदभाव की जनता की सेवा करने की भी शपथ दिलाई गई। जीवन का एक बहुत ही यादगार दिन होता है, बहुत ही यादगार समय होता है। पासिंग आउट परेड से जुड़ी जो स्मृतियाँ होती हैं वो व्यक्ति कभी भी नहीं भूलता है, चाहे वो रिटायर हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, कभी वो भूलता नहीं है। और ये बहुत ही गर्व का विषय होता है कि अगर जो हमारे RTC के प्रशिक्षु जो कॉन्स्टेबल्स हैं इनकी अगर परेड में अगर कोई इतना वरिष्ठ अधिकारी अगर उपस्थित हो तो और भी गौरव का विषय हो जाता है। परेड समारोह 2020 के अवसर पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, SP बलरामपुर श्री देव रंजन, एडिशनल SP, पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया बंधुओं और मेरे नौजवान साथियों, दूसरा मौका है विजिट करने का और इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि एक हफ्ते में ये दूसरा मौका मुझे मिला। मुझे जब SP बलरामपुर ने कहा कि सर अगर आप अनुमति दें तो पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि आप बन जाएं, तो मैंने बिना सोचे अपनी हामी इसलिए दे दी कि मुझे नौजवानों के बीच में जाके बहुत अच्छा लगता है। हमारी व्यवस्था की रीढ़ है और इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट टिका हुआ है। जिस तरह की परेड का मुजाहिरा आप लोगों ने किया उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। तक बलरामपुर जब अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जवानों के लिए दो विशेष मापदंड प्रस्तावित किए थे, एक क्लास 1 रस्सा चढ़ने का और दूसरा इंसास राइफल को हाथ पर पट्टी बांधकर खोलने और जोड़ने का। मैं समझता हूँ कि ये उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि का परिणाम है, क्योंकि इंसास राइफल पुलिस के जवान की जिंदगी में एक ऐसा शस्त्र होता है जिसको वो अपना हमराह की तरह लेके हमेशा चलता है। अगर उसके साथ उसकी वाकफियत बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगी तो उसको कभी भी धोखे का सामना करना पड़ सकता है। आया था एक प्रदर्शन मेरे सामने भी आप लोगों द्वारा किया गया था और मैंने देखा कि किस दक्षता के साथ में, किस एफिशिएंसी के साथ में आप लोगों ने आग पर पट्टी बांध कर 30-30 सेकेंड में राइफल को खोला और जोड़ा था। क्लास 1 रस्सा चढ़ना बहुत लोगों के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँ नामुमकिन होता, लेकिन कठिन बहुत होता है, लेकिन आप लोगों ने वो भी करके दिखाया तो दिखाता है कि आप में स्ट्रेंथ कितनी है।